आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं भारत लाइव। लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान के छोटे भाई रामचंद्र पासवान का आज दिल्ली में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आज आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि रामचंद्र पासवान 2014 में पहली बार आरक्षित सीट समस्तीपुर से जीतकर लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल किए थे। उसके बाद उन्हें 2019 में भी लोजपा द्वारा प्रत्याशी बनाया गया और उन्होंने एक बार फिर समस्तीपुर में अपना परचम लहराया। लोकसभा चुनाव हाल में ही खत्म हुआ। जिस तरीके से उन्होंने जीत दर्ज की थी उसके बाद कहीं ना कहीं समस्तीपुर के लोगों ने एक उम्मीद रखा था कि आने वाले समय में इस आरक्षित सीट और इस आरक्षित डिस्ट्रिक्ट में रामचंद्र पासवान कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से लगातार उनका तबीयत खराब चल रहा था। कहा जा रहा था कि उन्हें बीते दो हफ्ते पहले हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट कराया गया था। वहीं सूत्र बता रहे थे कि उनकी तबीयत पहले से सुधरती जा रही थी, लेकिन आज रविवार को अचानक उनका निधन हो गया। उनके निधन पर उनके भतीजे चिराग पासवान, जो कि जमुई के सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है। चिराग पासवान ने कहा है, आज दोपहर के 1:30 बजे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनके चाचा रामचंद्र पासवान ने आखिरी सांस ली है। उन्होंने कहा कि जन लोक शक्ति पार्टी उन्हें हमेशा याद रखेगी। जाते जाते जरूरी जानकारी देते चले कि रामविलास पासवान के दामाद अनिल साधु ने भी ट्विटर पर ट्वीट करके शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि चाचा रामचंद्र पासवान जी इस दुनिया में नहीं रहे, उनके कार्यों को लोग याद रखेंगे, मैं उन्हें दिल से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। खबरों का सिलसिला न्यूज़ बिहार और भारत लाइव पर चलता रहेगा। नए खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें। बिहार की राजनीति और बिहारियत से आपका भी है सरोकार, तो बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल की घंटी को दबा देने से सबसे सटीक और मारक खबरें आपको प्राप्त हो जाएंगी। अगर आपको पत्रकारिता में हमारा ये प्रयोग अच्छा लगा तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पेटीएम नंबर नोट कर लीजिए 9386816700। धन्यवाद।